हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। हम मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज़ एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29 मार्च 2016, 22 अप्रैल 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का,
एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का,
एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का,
एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैड्रिक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैड्रिक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था स्नो वाइट एंड द हंट्समैन एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था स्नो वाइट एंड द हंट्समैन एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का,
एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था स्नो वाइट एंड द हंट्समैन एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था स्नो वाइट एंड द हंट्समैन एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29 मार्च 2016, 22 अप्रैल 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29 मार्च 2016, 22 अप्रैल 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का,
एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था स्नो वाइट एंड द हंट्समैन एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था स्नो वाइट एंड द हंट्समैन एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29 मार्च 2016, 22 अप्रैल 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29 मार्च 2016, 22 अप्रैल 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का,
एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैड्रिक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैड्रिक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी।
हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है। मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे। मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैग मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स, परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स, मूवी हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे, प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वार, द हंट्समैन विंटर्स वार। 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी, इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का,
एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपामाइकल। फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ। फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड। फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स। फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने। फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में। फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है। फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है। $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है। फ्रेंड्स मूवी, हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारा इंस्टाग्राम पेज है, आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं। मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था, स्नो वाइट एंड द हंट्समैन, एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रेयन का, एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैड्रिक निकोलस ट्रेयन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस, क्रैक मेजिन। फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी। फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ। फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन। फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन।
फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल, कैसे हैं आप सब लोग, आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आप सबके सपोर्ट और प्यार के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको हमारा मूवी का रिव्यू अच्छा लगे प्लीज़ चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, हमारा इंस्टाग्राम पेज है आप वहाँ पर विजिट कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। फ्रेंड्स, आज हम आपके सामने मूवी का रिव्यू लेके आए हैं, मूवी का नाम है हंट्समैन विंटर्स वॉर, द हंट्समैन विंटर्स वॉर 2016 की अमेरिकन फैंटेसी एक्शन एडवेंचर फिल्म रही है एंड काफ़ी शानदार मूवी रही है। ये मूवी इसका प्रिक्वल आया था 2012 में आया था स्नो वाइट एंड द हंट्समैन एंड काफ़ी शानदार मूवी है। डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है यह कैडियक निकोलस ट्रियोन का एंड मूवी का डायरेक्शन भी काफ़ी अच्छा है, मूवी को काफ़ी पसंद किया गया है, स्पेशली क्रिस हेम्सवर्थ की परफॉर्मेंस को तो काफ़ी ही पसंद किया गया है। अगर आप मूवी देखने के लिए आए हैं तो माफ़ी चाहेंगे, डायरेक्टली मूवी हम आपको नहीं दिखा पाएंगे, मूवी के फैक्ट्स एंड रिव्यूज एंड फुल स्टोरी आपके साथ शेयर करेंगे। रिव्यू अच्छे लगे तो वीडियोज़ को लाइक कीजिएगा एंड चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिल्म को डायरेक्ट किया है कैडरिक निकोलस ट्रियोन, जो कि इनका डायरेक्शनल डेब्यूट रहा है। फिल्म को रिटन किया है इवान स्पियोलोटो पॉलिस क्रैक मेजिन, फिल्म को बेस्ड रही है करेक्टर्स क्रिएटेड बाय इवान डॉटी, फिल्म को प्रोड्यूस किया है जो रॉथ, फिल्म के स्टार्स रहे क्रिस हेम्सवर्थ, चार्ल्सी थियोरॉन, एमिली ब्लंट, निक फ्रॉस्ट, सैम क्लेफिन, रॉब ब्रेडन, जेसिका चेस्टेन, फिल्म को नरेट किया लियाम नीसन, फिल्म की सिनेमेटोग्राफी दी है फीडन पेपरमाइकल, फिल्म को एडिट किया है कॉन्राड बर्फ, फिल्म को म्यूजिक दिया है जेम्स न्यूटन हॉवर्ड, फिल्म की प्रोडक्शन कंपनी रही है रॉथ फिल्म्स परफेक्ट वर्ल्ड पिक्चर्स, फिल्म को डिस्ट्रीब्यूट किया है यूनिवर्सल पिक्चर्स ने, फिल्म की रिलीज डेट रही है हैमबर्ग में 29th of March 2016, 22nd of April 2016 यूनाइटेड स्टेट में, फिल्म का रनिंग टाइम 114 मिनट का है एंड 120 मिनट्स का एक्सटेंडेड एडिशन है, फिल्म की कंट्रीज की यूनाइटेड स्टेट रही है, लैंग्वेजेस की इंग्लिश रही है, $115 मिलियन का टोटल बॉक्स ऑफिस बजट है, $165 मिलियन की टोटल बॉक्स ऑफिस अर्निंग इस मूवी की रही है फ्रेंड्स मूवी।